हेलो हेलो, वेलकम दोस्तों। मैं हूँ किरण, आप सबका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, जब से स्मार्टफोन आया है इंडस्ट्री में, मतलब सबको ये भाई बहुत अच्छे से काम कर रहा है। स्मार्टफोन में बहुत कुछ कर पा रहे हो स्मार्टफोन के थ्रू। पर अब बहुत सारे सेल्फी लवर्स भी हो, सेल्फी क्लिक करते हो, अपलोड करते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो, या ट्विटर में ट्वीट करते हो किसी को दिखाने के लिए। तो वो फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, अलग टाइप का लगाते हैं। फोटो तो वगैरह क्लिक करते हैं, भाई सेल्फी का जमाना बस यही काम रह गया, बस यही यही चीज़ करना रहता है, बस यही यही काम करते हो खाली। बस उसको जो फिल्टर्स वगैरह यूज़ किया जाता है, उसमें जो एडिटिंग किया जाता है। पहले क्या होता था, फोटोशॉप वगैरह में एडिटिंग वगैरह किए जाते थे। पहले फोटो फोन में फ़ोटो खींचो, उसके बाद पीसी में ले जाओ, उसके बाद जाके एडिटिंग करो। बट अभी क्या हो गया, इतने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं प्ले स्टोर में, आपको बता नहीं सकता। बहुत सारे खाली एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढोगे तो बहुत बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलेंगे। बट उनमें से बहुत कम बहुत सारे पेड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम करते हैं। बट मैं आपको ऐसे मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आज बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत कुछ अच्छे खासे एडिटिंग वगैरह और फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। तो चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आज बताऊंगा, जो आपको पीसी में जो आप फोटोशॉप यूज़ करते हो, उससे ज़्यादा ही आपको अच्छे खासे इसमें इफ़ेक्ट और फिल्टर और अपने अच्छे खासे चेहरे को सुधार सकते हो। जो भी आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, किसी भी फ़ोन से आप उसको एडिटिंग वगैरह उसमें कर सकते हो। पहला ऐप जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, वो है दोस्तों अच्छे खासे आप अपने बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकते हो आप, और इसमें आप पर्सपेक्टिव को सुधार सकते हो। सीधे और सरल भाषा में बताऊं तो आप देखने को नज़रिए को चेंज कर सकते हो। ये ऐप में आप बहुत अच्छे खासे, जैसे ये देख रहे हो, बहुत एडिटिंग वगैरह इसमें कर पाते हो। जो बिल्डिंग्स का देख रहे हो इफेक्ट वगैरह, स्लाइड से या ऊपर से कोई कहाँ कहीं से भी ये इफेक्ट वगैरह इसमें डाल के आप, इफेक्ट नहीं है पर्सपेक्टिव को, खाली अलग 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 टाइप का लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अलग अलग टाइप का इसमें आप देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगले ऐप के ऊपर बढ़ जाता हूँ दोस्तों, ये गूगल का एक खुद का अपना ही मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये बहुत अच्छे खासे है, इसमें आप जाते हो तो बहुत अच्छे खासे आपको इसमें इफेक्ट वगैरह और फिल्टर्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं स्क्रीन में देखा रहा, बहुत अच्छे खासे फिल्टर्स आपको मिलते हैं। ऊपर नीचे करते हो तो आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट और व्यूज़ वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्टर्स तो ज़्यादातर आपको इसमें फिल्टर्स ही देखने को मिलेंगे। फिल्टर्स भी तो बहुत ऐसे होंगे कि आजकल फ़ोटोज़ को दिखता है कुछ ओरिजिनल और चिपका देते हैं फिल्टर्स, ख़त्म कहानी। उसके बाद अच्छे खासे आपको उसमें व्यू, आपको लाइक्स वगैरह उसमें अपने फेसबुक पेज में मिल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऐप की अगर बात करना तो यह लेंस ऐप है। इसमें आप लोगों को जो लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, या स्मोक टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है, या थोड़ा अलग टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें आप इसमें इजीली इसमें कर सकते हो। जैसे ये देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे खासे इसमें स्मोक इफेक्ट, ब्लरी इफेक्ट और लाइटिंग का इफेक्ट वगैरह इसमें आप इसमें डाल सकते हो। और जहाँ तक भी आपको बहुत ब्लर टाइप का इफेक्ट हो गया, ज़्यादातर आप इसमें लाइट ब्रश और ब्लर हो गया, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट वगैरह इसमें आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, अलग अलग टाइप का इसमें कर सकते हो दोस्तों। अगले ऐप्स की अगर बात करें एडिटिंग के, वो एडोब के ही सॉफ्टवेयर के एडोब लाइट रूम आपको मिल जाता है सीसी में। ये पहले जो था डेवलपर ऑप्शन में चलता था, उतना अच्छे खासे एडिटिंग इसमें देखने को नहीं मिलते थे, लोग इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते थे। बट अभी से जितने उसको अपग्रेड किया गया, उसे बहुत सारे फिल्टर्स इफेक्ट वगैरह जैसे ही डाले गए, अब वो अच्छे खासे फिल्टर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये देख पा रहे हो आप, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट वगैरह इसमें आप देख सकते। पहले तो आपको ऐड करना रहता है फोटोज़ को, फोटो पहले आप ऐड करना रहता है नॉर्मल, आप जैसे फोटोशॉप वगैरह में यूज़ करते इसे कर्व टाइप का इफेक्ट, उसके बाद अलग अलग टाइप का लाइटिंग इफेक्ट, कलर इफेक्ट, आपको अलग अलग टाइप का इसमें ब्राइटनेस, अलग अलग इफेक्ट, एक्सपोजर, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, अलग अलग इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और कलर का तो सही में एक अजीब करेक्शन हो गया आजकल, फोटो दिखता है अलग, कपड़े अलग पहनते हो, पैंट अलग पहनते हो, बैकग्राउंड में अलग कलर होता है। बट इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सारे कलर को एक इफेक्ट के थ्रू, कलर और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के थ्रू अलग इफेक्ट इसमें, अलग कलर वेरिएंट में दे सकते हो दोस्तों। इसको आप जाके बहुत आराम से इसे डाउनलोड करो, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ जितने पांच बताऊंगा एडिटिंग, बस जाके आप इसको डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगले एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को पता भी रहेगा, काइमेरा। ये बहुत अच्छे खासे सॉफ्टवेयर है, मतलब ईजीली आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आप अपने फेस से
या कहीं गैलरी से भी पिक कर सकते हो कोई भी फोटो और सही से एडिटिंग कर सकते हो। तो अब इंस्टेंट अब वो फोटो क्लिक करके उसको एडिटिंग भी कर सकते हो उसमें, और बहुत अच्छे से इफेक्ट वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं लैंडस्केप का। इसमें आप अपने टैक्स ऐड कर सकते हो, ब्यूटी मोड ऐड कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो, उसके बाद लाइट हो गया, और इसमें तो भाई फिल्टर से ऐसा हो गया, फिल्टर अच्छे खासे इसमें फिल्टर्स वगैरह देखने को इसमें मिल जाते हैं, जो कि एक बढ़िया देखने को मिलता है दोस्तों। सही में ये बहुत ही अच्छा है, और फिल्टर्स तो सही में अब फिल्टर ज़्यादा तो जो मतलब जो फिल्टर यूज़ करते ज़्यादा अपने फ़ोटो में, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, फोटो खींच ली उसमें खाली फिल्टर फिल्टर डाल के फेसबुक या इंस्टाग्राम में छोड़ना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, ये वाला है उनमें तो बहुत अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर एडिटिंग के बारे में बात कर लूँ दोस्तों, ये सही का सही में अगर बताऊँ तो ये गरीबों का ब्यूटी पार्लर है। सही में ये ऐप्स आप देखोगे, डाउनलोड करोगे पता चल जाएगा कैसा ऐप्स आप देखे, जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हो गरीबों का ही ब्यूटी पार्लर है। अच्छा खासा इसमें इफेक्ट, अच्छे खासे चेहरे को मतलब ख़राब चेहरे को भी इसमें एडिट कर सकते हो, स्पॉट वगैरह रहते हैं उसको भी इरेज कर सकते हो इसकी इस ऐप्स के थ्रू, जहाँ तक मुझे लगा बहुत अच्छे खासे ऐप्स है इसमें। अब इसमें आईज लाइनर हो गया या जो गर्ल्स लोग यूज़ करते हैं वो सब मतलब यहाँ से फेस को चेंज करने के लिए इस ऐप्स के थ्रू अब इसमें आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो। आँखों का लाइटिंग इफेक्ट हो गया या कुछ भी हो गया, इसमें आप इजीली इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो दोस्तों। होप ये आप लोगों को जो बेस्ट मैम प्ले स्टोर से निकाले एडिटिंग के लिए आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, और आप लोगों को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देख लो और इस नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लो। इसमें आराम से फिल्टर हो गया, इफेक्ट हो गया, टैक्स हो गया, या पूरा आपको पूरा गरीबों का ब्यूटी पार्लर हो गया वो भी आपको मिल जाता है यहीं पर, और अच्छे खासे इसमें इफेक्ट वगैरह फिल्टर्स वगैरह और पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया जो है चेंज करने का, देखने का नज़रिया उसमें हम अच्छे खासे इसमें चेंज वगैरह कर सकते हो। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट में करना कि ये जो 5 ऐप्स बताए हैं वो टॉप 5 में और कुछ ऐड हो सकता है, तो नीचे मुझे कमेंट करना कि इस 5 में से और कुछ टॉप 5 आप लोगों को लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा ऐप आप ज़्यादातर यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए। और सेम अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है कि क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ आराम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साइड में जो घंटा है ना घंटा को भी दबा दो, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट आप लोग देता रहूँ आपको तो तुरंत तुरंत इसमें आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगले इस ऐप्स गेम और टेक न्यूज़ में दोस्तों, फिलहाल के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।